मौसम का क्या सीन है भाई? खुश्क और सॉर्ट ऑफ यू कुड से नहीं, गर्म ही है, कोई बदला तो नहीं है अभी। अच्छा, कराची में आपको बता दें कि इन दिनों दिन में कुछ गर्मी ऑब्वियसली है, कुछ नहीं है, ठीक ठाक गर्मी हो जाती होती है, लेकिन शाम में कंफर्टेबल है, हवा भी चल रही है, एंड इट्स नॉट बैड। तो एक उम्मीद सी है, हाँ उम्मीद सी है कि मौसम जो है जल्दी बदल जाएगा। ऑल्दो वी डू नो कि बीच में एक अक्टूबर भी रहता है बिफोर द फाइनल टर्न ऑफ द वेदर, एटलीस्ट फॉर कराची अक्टूबर गर्म होता है, हालांकि बाकी मुल्क में मौसम बदलना स्टार्ट हो जाता है। हमें ज्वाइन किया है सरदार सरफराज साहब, ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू टेल अस सरदार साहब, हमें क्या सुनने में आ रहा है कि मॉनसून का कोई एक और सिस्टम जो है वो रह गया है और उसने भी बीच में आना है, सरदार साहब बताएंगे। कुछ ऐसी बात भी हो रही है सरदार साहब? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, वो उसके यहाँ तक पहुँचने का इम्कान नहीं है, इंडिया पे तो है, जाहिर है अभी ईस्टर्न इंडिया पर है, वो डीप डिप्रेशन की सूरत में है, लेकिन वो ग्रेजुअली इंडिया जब डिप्रेशन में जाता है तो हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती होती है, लेकिन लग नहीं रहा इस बार कुछ होगा। देखिए, वो हमारे एरिया के अगर करीब पहुंच पाए ना तो फिर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे एरिया के करीब नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल गई है। हमारे यहाँ से तो मॉनसूनल फ्लो अभी तक है, कह सकते हैं आप, मतलब ये जो कुछ ना कुछ बादल रहते हैं, कुछ ना कुछ हवाएं रहती हैं, वही जो इक्का दुक्का नॉर्थ में कहीं आपने देखा कुछ चंद एक जगहों पर मामूली सी बारिश हुई पिछले दो तीन दिन पहले, कहीं लाइट रेन और कहीं मॉडरेट रेन, वो कुछ वेस्टर्ली वेव का भी असर था, लेकिन वो जो डिप्रेशन इंडिया में बना हुआ है वो सेंट्रल इंडिया में पहुँच के या ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान पर और फिर नॉर्थ ईस्टवर्ड चला जाएगा, यानी उधर ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे एरिया पर उसका कोई असर नहीं होगा। लाहौर और गिरदोनवा में कोई हो सकता है 18 या 19 को कोई हल्की फुल्की आंधी चले या हल्की सी बारिश हो जाए, अदरवाइज कोई ऐसा खास इम्कान नहीं है कहीं भी बारिश का। आगे तो लगता है कि सितंबर के बकिया दिन तो ड्राई गुजरेंगे बेशतर जगहों पे मुल्क की। फिर आगे हम मौसम जिसे कहते हैं ना, हमारे जो रिवायती मौसम है उसमें तो मौसम बदल गया है, यानी कि सर्दी की आमद एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन क्या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये महसूस भी किया जा रहा है? देखिए, जो जाहिर है कि गर्मी तो अब एक तरह से सबसाइड हो गई है ना, कि अगस्त पूरा बहुत अच्छा गुजरा है, वो तो बारिशें आपने देखा कि बहुत अच्छी हुई हैं अगस्त में, और उसकी वजह से भी टेम्परेचर्स बहुत हाई नहीं गए, और अभी इसमें सितंबर में भी जो 15-16 दिन गुजरे हैं, ये मैं तो कराची के लिए खासकर इसको कहता हूँ एक तरह से ना, आप इसको बोनस कह सकते हैं कि अच्छा टेम्परेचर गया है, यानी 32-33 से ऊपर शायद ही किसी दिन गया हो, और अदरवाइज भी आप देखें तो एवरेज भी 33.4 या 33.5 होता है, लेकिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है। हाँ, कहीं जाहिर है अब क्लाउडलेस स्काइज रहते हैं तो धूप तो जब दिन में जब धूप होती है तो कुछ ना कुछ तपश तो होती है, लेकिन अदरवाइज़ अच्छा है। और शुमाली इलाका जात में तो फिर आखिरी जो हफ्ता होगा उससे तो बाकायदा खुनकी रात की शुरू हो जाया करती है। आपका मतलब है आखिरी हफ्ता जो सितंबर का होगा उसमें बिल्कुल वेदर टर्न हो सकता है, लेकिन अक्टूबर तो बड़ा गर्म होता है सरताज साहब कराची का। जी, कराची में निस्बतन देखिए अब 20 सितंबर 22 सितंबर के बाद बिलखसूस ना जब मानसून हवाएं बिल्कुल एक तरह से यानी मुझे लगता है कि 21 या 22 सितंबर के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा कोई रास आ चांस भी ना, वैसे भी कोई चांस नहीं है, लेकिन स्टिल मानसूनल हवाओं का फ्लो है एक तरह से, वो 22 सितंबर के बाद सबसाइड कर जाएगा, रिट्रीट कर जाएगा हमारे एरिया से, तो फिर मोस्टली सनी डेज हुआ करेंगे, तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ गर्मी ग्रेजुअली। अच्छा सरदार साहब, हमने पहले भी हम ये बात करते रहे हैं लेकिन अब तो ऑब्वियसली पहुँच गए हैं बिल्कुल सितंबर का मिड ही है, सर्दी इस पर क्या जल्दी आ जाएगी, उसका दौरानिया ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि वेदर पैटर्न्स जो हैं वो ओवर द ईयर्स बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल भी हो गए हैं, चेंज भी हो गए हैं, तो इस पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी कुछ कहना कबलस वक्त होगा, बिल्कुल एट द मिड ऑफ सितंबर आप एक आध महीना छोड़ के यानी अक्टूबर के एंड तक जाके या अक्टूबर के मिड के बाद आपको कुछ बेहतर आइडिया हो सकेगा कि कैसी रहती है सर्दी, लेकिन अभी तक यानी जो लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन है या सीजनल प्रिडिक्शन आप कह सकते हैं वो ये है कि विंटर इज़ गोइंग टू बी मोर ड्रायर, यानी उसमें बारिशें कम होंगी विंटर के सीजन में, दिसंबर जनवरी फरवरी जो 3 महीने होते हैं हमारे, ऐसे लग रहा है फिलहाल, अगर कोई कंडीशन चेंज हो जाती है तो अलग बात है। तो जाहिर है कि जब ड्राइनेस होगी तो उसमें फिर सर्दी तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन कितनी होगी और शिद्दत की होगी और कितनी प्रोलॉन्ग करेगी ये देखना अभी बाकी होगा। थैंक यू सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और वी विल हैव टू वेट टू फाइंड आउट कि सर्दियों का क्या सीन होगा। हम सितंबर अक्टूबर टाइप होता है ना, चले अक्टूबर में तो बिल्कुल ही इंतजार में ही बैठ जाते हैं, लेकिन सितंबर में उम्मीद में बैठ जाते हैं कि शायद इस बार थोड़ी सी जल्दी आ जाए सर्दी।
चाहिए सर्दी की नहीं चाहिए? आजकल सही है ऐसा मौसम को इतना। It's okay. At least it's okay. Not so humid. It's not so humid. Ah, it isn't. Okay. We'll see you tomorrow. Good luck, Pakistan.